एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब आपको विस्तार से खबर दिखा देते हैं। पुलिस की पकड़ से फरार दीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर फिर एक वीडियो पोस्ट कर खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन इस बार उन्होंने अपने इस वीडियो को पंजाब की तुलना में बिहार के लोगों की तारीफ की है। लेकिन क्यों, इसके पीछे दीप की क्या मंशा है, देखिए इस रिपोर्ट। लाल किला कांड के 6 दिन बाद भी दीप सिद्धू फरार। पुलिस से छिपकर पंजाब के बिहार पहुंचा सिद्धू। बेगुनाही के सबूत दिखाएगा दीप सिद्धू। एक तरफ पुलिस छापेमारी कर दीप की तलाश कर रही है, तो दूसरी ओर दीप हर रोज सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सफाई दे रहा है। लाल किला हिंसा के बाद अपने ऊपर लगे आरोपों पर दीप सिद्धू ने 3 बार फेसबुक पर वीडियो जारी कर सफाई दी है। रविवार को फिर वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया, दावा किया कि वो जल्द ही अपनी बेगुनाही के सबूत सबके सामने रखेगा। मेरी रूह दुखी है, इस करके नहीं भी सरकारां की कह रही हैं, इस करके भी आपदे लोग की कह रहे हैं। तुसी मैनू हर्ट किया तो तुसी मेरे परिवार ते चढ़ गए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर दीप सिद्धू है कहाँ? वीडियो में वो बिहार के लोगों की तारीफ कर रहा है, बता रहा है कि वो उसे खाना भी दे रहे हैं। मेरा हाल की है देख लो, आ देखो थोड़े नाल तो यार जड़े साडे बिहार मजदूर इत्थे खेतां च काम करते हैं साडे, वो चंगे हैं। 2 दिन कोठे चगलिया ने मैनू टिकाणा दिता, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਤੋ ਕਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਿਹਾਰ ਮੇ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਪਰ ਲਾਈਵ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਪਰ ਭੜਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਾਲੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੈਰਤੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ। सिद्धू पर दिल्ली में हुई ट्रैक्टर परेड में किसानों को भड़काने और हिंसा फैलाने, किसानों के आंदोलन के दौरान मंच से भड़काऊ भाषण देने और लाल किले पर हंगामे में शामिल होने के आरोप हैं। दीप सिद्धू के फरार होने के बाद से लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस आखिर क्यों सोशल मीडिया पर रोज वीडियो पोस्ट कर रहे दीप सिद्धू को पकड़ नहीं पा रही है। आखिर क्यों पुलिस हिंसा के आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट पर अब तक कार्रवाई नहीं कर पाई है? ABP News आपको रखे आगे।